आखिर क्यों हुई भाजपा समर्थकों को कांग्रेस के घोषणा पत्र से आपत्ति। बता दें, भारतीय राजनीति में चुनावी माहौल तेजी से गर्म हो रहा है। जैसे ही कांग्रेस ने भाजपा घोषणा पत्र जारी किया, वैसे ही भाजपा समर्थकों के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। बता दें कि आज बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा समर्थकों ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ आपत्ति जताई है। उनका मानना है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के माध्यम से बहुसंख्यक समाज को ठगने की कोशिश कर रही है और अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देकर उन्हें तुष्टीकरण की नीति का पालन कर रही है। वहीं मीडिया से बातचीत करने के दौरान एक भाजपा समर्थक ने बताया कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, इसका सीधा असर आम जनता की गाढ़ी कमाई पर पड़ेगा। कांग्रेस की नज़र अब आमजन की संपत्ति और माता बहनों के सोने के जेवर पर है, जिसकी गणना करवाकर कांग्रेस खास वर्ग के लोगों में वितरित करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सृष्टिकरण की नीति अपनाकर सत्ता हथियाना चाहती है। पत्र जो जारी किया कांग्रेस, आप उसको अध्ययन कर ले अच्छे से, और आप उसके अध्ययन करने के बाद आप साफ परिलक्षित होगा कि कांग्रेस ये योजना बना रही है बहुसंख्यकों को लगातार तंग करने के लिए। ये स्कीम लगातार आई है, तब तक आप बहुसंख्यकों को तंग किया है। चाहे झारखंड में जो गवर्नमेंट बनी है, आप देख सकते हैं बहुसंख्यकों को काफी परेशानी होती है। ये लोग बहुसंख्यक जहाँ भी अपना कोई भी कार्य करना स्वतंत्र ढंग से करना चाहते हैं, पूजा पद्धति से लेकर के अन्य कार्य, इसमें ये लोग बाधक हैं। और आप देखे होंगे यहाँ धनबाद में भी एक बहुत हुजूम फोर फोर करके जुलूस निकाले थे। लोग निकालने के बाद एफ आई आर हुआ था, कांग्रेस और जेएनयू की सरकार उसे उन लोगों को फिर वापस लिया था। लगातार कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति अपना करके भारत में शासन करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी तो विकास की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी आप देख सकते हैं कि जो 60 से 70 सालों में कांग्रेस नहीं गई, भारतीय जनता पार्टी आयुष्मान कार्ड से लेकर के शौचालय और राशन, आप 74 हजार पहले कांग्रेस के समय में 60 से 70 साल में बना था, हम लोग 10 साल में 74 हजार बनाए हैं, हम लोग एम्स बनाए हैं। इस तरह से हम लोग विकास पर ही विश्वास करते हैं और देश को समृद्धिशाली बनाना चाहते हैं। मतलब घोषणा पत्र जारी हुआ उसके विरोध में आप लोग ये लोगों को बता रहे हैं कि उसके घोषणा पत्र के प्रभाव में आप लोग ना चाहिए। घोषणा पत्र के विरोध में, घोषणा पत्र जो जारी किया है कांग्रेस, घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने और हिंदुओं को नजरअंदाज कर रही है। इसमें अच्छा अगर कोई लाती है घोषणा पत्र, उसका स्वागत है। भारत में सरकार बनती अच्छा कार्य होगा, स्वागत है। लेकिन ये भ्रमित करके भारत में शासन करना चाहती है कांग्रेस सरकार। 1960 और 1970 के दशक में कानून पास करके भारतीयों को इस बात के लिए विवश किया था वो अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार के पास जमा कर दे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार लोगों की कमाई जब्त करने वाले ऐसे कानून 1963 और 1974 में पास किए थे। इनका नाम कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम एक्ट था। इसके अंतर्गत सभी करदाताओं, संपत्ति धारकों और सरकारी कर्मचारियों की अपनी कमाई की 18% सरकार के पास जमा कराना था। जमा धनराशि 3 से 5 वर्ष तक और संपत्ति जब्त रहता था। 1974 में कानून लाया था। हैरानी की बात यह है, 1974 में जब ये कानून लाया था उस समय सरकार के सलाहकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। जहां भाजपा सरकार लोगों की कमाई बढ़ाकर देश सशक्त करना चाहती है, वहीं कांग्रेस सरकार लोगों की कमाई जब्त करके देश को विकास करना चाहती है। इन कानूनों के तहत सरकार को यह ताकत भी थी, उन लोगों का सीधा आम जनता की गाढ़ी कमाई, अल्पसंख्यक तुष्टिकरण पर आधारित इनका जो जारी किए मैनिफेस्टो, जो घोषणा पत्र जारी किए हैं, इसमें स्पष्ट समझ में आता है कि ये लोग लगातार जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद ये लोग बढ़ावा देते आए हैं। इसमें खास करके अल्पसंख्यकों को ये लोग बढ़ावा दे करके तुष्टिकरण की नीति अपना करके भारत पर लगातार राज किए और बहुसंख्यक समाज को
बहुसंख्यक समाज को ठगते आए हैं। 60 के दशक से कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करके चुनाव जीतने के हथियार बनाया। हम बरसों इसके खिलाफ लड़ रहे थे। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास का एजेंडा सेट किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है। कांग्रेस की नज़र अब हिंदुओं की संपत्ति पर नज़र है। कांग्रेस का नज़र है कि आम जनता जो कमाई कर रही है उसके संपत्ति पर नज़र रखी हुई है और नज़र रख करके उस संपत्ति को जांच करवा करके और अपने दायरे में ले करके एक खास वर्ग के लोगों को के बीच वितरित करने का कोशिश कर रही है। इन लोगों का घोषणा पत्र है। कांग्रेस की नज़र है आम जो भारतीय जो खास करके बहुसंख्यक सा हिंदू समाज है उसके माता बहनों के पास जो सोने का जेवरात है, हीरे का चाहे जो भी जेवर है, इन सब का गणना करवाना। और गणना करवा करके इन लोगों ने अपना घोषणा पत्र में कहा है कि सभी संपत्ति पर नज़र रख करके जिनके पास जो संपत्ति जो बहुसंख्यक के पास है उसको हम लोग अल्पसंख्यकों के बीच वितरित करेंगे। कांग्रेस जहां भारतीय जनता पार्टी तुष्टिकरण की नीति नहीं अपना करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की काम करती है कामना करती है, वहीं कांग्रेस तुष्टिकरण की नीति पर चल करके और अपना सत्ता हथियाना चाहता है, वहीं भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को ध्यान में रख करके वर्ग के लोगों को ध्यान में रख करके देश की सेवा करना चाहती है और देश सेवा का के लिए ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाहती है, जिसका आप लोग उदाहरण देख सकते हैं कि 2014 से अभी तक लगातार भारतीय जनता पार्टी शासन में है और लगातार गरीब कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो A to Z से जो ए से शुरू होता है और जेड तक आयुष्मान कार्ड से लेकर के और जमीन तक के सभी क्षेत्रों में विकास का कार्य किया, गरीबों के लिए घर मकान शौचालय राशन मुहैया कराया। वहीं कांग्रेस ए से जेड तक के घोटाला करके की अपने शासनकाल में और फिर पुनः तुष्टिकरण की नीति अपना करके वो सत्ता में आनी चाहती है, जिसे स्पेक्ट्रम घोटाला से लेकर के आप गुड़गांव में नई दिल्ली में आप जानते हैं कि जमीन घोटाला करके और ये लोग अपने दामाद को राहुल गांधी अपने बहनोई को देने का कार्य किया, उसमें केस भी चल रहा है। ये लोग घोटाला पर विश्वास करते हैं, तुष्टिकरण पर विश्वास करते हैं। नौकरी पेशा वाले अपने बच्चे के लिए जो FD करवाए हैं, जो भी समाज के लोग जो अपनी गाड़ी कमाई करके FD करवाए हैं, जो पैसा बचाए हैं, वो सरकार उनकी जांच करवा करके कांग्रेस इसका सर्वे करवाएगी, फिर कांग्रेस ऐसी सरकार के नाम पर वैसे संपत्ति को अपने कब्जा में करने के लिए घोषणा पत्र जारी की है कि हम सभी संपत्ति को सबका सर्वे करेंगे। सर्वे कर कर कोई कितना कमा रहा उसके सीधे अब भारतीय जनता पार्टी गरीब को आय बढ़ा करके और गरीबों को आय बढ़ा करके उनको समृद्धिशाली बनाना चाह रही। कांग्रेस उनके आय पर नज़र रख करके और उस संपत्ति को जब्त करके भारत की जनता को ठगना चाह रही है। कांग्रेस एक और भी घोषणा पत्र में जारी किया है, उसमें अगर आपके पास दो मकान है तो दो मकान है जो जयपत्री के मकान है, आप अपना मकान बनाए हैं, किसी के पास चार है किसी के पास पाँच है, वैसे मकान को ये लोग सर्वे करवा रहे हैं, जितने के बाद करवाएंगे करवा करके अन्य लोगों को वितरित करेंगे। ये लोग का सोच माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जैसे लोगों का की तरह सोचते हैं। ये लोग का आम जनता के हित से कोई मतलब नहीं है। ये लोग का घोषणा पत्र परिलक्षित करती है कि ये लोग देश के हित नहीं सोचते हैं, ये लोग तुष्टिकरण करके खास समाज के लिए ये लोग कार्य कर रहे हैं।